मंजुलिका बनकर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 में वापसी करेंगी विद्या बालन, मचेगा तहलका। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में उन्हें देखा गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने घोषणा करते हुए बताया था कि वो इसके तीसरे पार्ट को लेकर आएंगे। इसमें कार्तिक आर्यन को एक बार फिर रूबाबा के किरदार में दिखाया जाएगा। जूम से जुड़े एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी होनी जा रही है। इस खबर से सुनकर फैंस काफी खुशी से झूम उठे हैं। सूत्र ने जूम से बात करते हुए विद्या बालन भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म का अहम हिस्सा थी। दूसरे भाग में विद्या बालन की जगह मेकर्स ने तब्बू को कास्ट किया। अब मेकर्स एक बार फिर भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की अगली किस्त के लिए विद्या बालन के पास गए हैं। हालांकि विद्या बालन ने अभी तक फिल्म की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि विद्या बालन फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हाँ कर रही है। भूल भुलैया में विद्या बालन के साथ अक्षय कुमार और अमीषा पटेल जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन प्रिया दर्शन ने किया था। दूसरी ओर भूल भुलैया 3 को अनीस बाजमी द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि भूल भुलैया 3 के लिए विद्या बालन ने मोटी रकम की डिमांड भी की है। वैसे दोस्तों विद्या बालन एक्चुअली बहुत अहम हिस्सा रही थी भूल भुलैया का, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑडियंस को उम्मीद था लाइक भूल भुलैया 2 रिलीज होने से पहले जब फिल्म को लेकर कोई खबरें नहीं आई थी, सिर्फ ऐसा कहा जा रहा था कि मेकर्स भूल भुलैया बना रहे हैं। जब रूमर्स थे उस टाइम पर काफी लोगों को लगा था कि विद्या बालन फिर से आएंगी, उनका क्रेज भी था ऑडियंस के बीच, पर फिर वो हमें देखने के लिए नहीं मिले और मेकर्स ने तब्बू को लिया। फिल्म कोई बुरी चॉइस नहीं थी, फिल्म बहुत अच्छी रही। भूल भुलैया 2 को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद। अब दूसरी ओर भूल भुलैया 3 में अगर विद्या बालन आ रही हैं तो फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को उम्मीद रहेगी कि ये फर्स्ट पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। तो हम सभी इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और दोस्तों उम्मीद हम यही करेंगे कि ये फिल्म सभी को एंटरटेन करेगी। हमें जल्द से जल्द फिल्म देखने के लिए मिलने वाली है और हम सभी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। अब दोस्तों देखते हैं फिल्म हम सभी को कितना एंटरटेन करती है। भूल भुलैया 3 को आप दोस्तों इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।